हेलो, दिस इज प्रद्युम गौरव एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल, जिसका नाम भी प्रद्युम गौरव है। और भाई बहुत टाइम से ये मेरा सब्सक्राइबर यही पढ़ता है, ऐसे तो बहुत सारे हैं कॉलेज में, बट इसका मन था कि यहाँ पे इसको व्लॉग में ले, तो इसलिए मैं ले इसको। भाई इसकी बहुत अरमान थे, तो हाँ क्या बोलना चाहते हो आर्यन, ये फर्स्ट ईयर का है। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, चलो बस यही कर दो भाई। बाकी आज हम लोग की गायनेकोलॉजी की साइकिल स्टार्ट है, और कल एक हो चुकी है जो मैंने वो डाली थी वीडियो, बट आज एक और है। अभी 10 दिन है, तो बस 10 दिन वही करेंगे। ओए मेरे लिए बचा लेना। तो 10 दिन अभी गायनेक चलेंगे, उसके बाद थेरेपी हम लोग का चलेगा, मतलब मेडिसिन 1 महीने का है ना। तो बस यही है, बाकी बताता हूँ। आज का ओवेरियन ट्यूमर्स टॉपिक है, थोड़ा बता दूंगा उसके बारे में, बट आज मैं भी मैम सर्जरी दिखाया हमको, इसलिए सो चलते बस में। और ये था हमारा हॉस्पिटल, ये गायनेक का नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और सर्जरी होती है। पेरिनेटालनी सेंटर है, और ये उसके पीछे पीछे ही बहुत सारे लगे हैं, दिखाता हूँ तुम्हें। ये वाला है, अरे इधर से ही है, वो है ग्लावनी कॉर्नस, जहाँ पे मेडिसिन और उसके पीछे वाला भी मेडिसिन ये सब लगती है। ठीक है, आज का टॉपिक बताऊँ मैं तो ओवेरियन कैंसर और मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ ओवरीज है, तो थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। तो ट्यूमर पता ही है, कैंसर तो मैं जान रोधक बीमारियाँ, उसमें भी क्लासिफिकेशन है बहुत सारे यार। जैसे एक होता है जर्म सेल ट्यूमर हो जाते हैं, कुछ सेक्स कॉर्ड ट्यूमर्स, कुछ एपिथीलियल ट्यूमर्स। अब एपिथीलियल ट्यूमर्स भी हैं, उनमें सेरस होगा, म्यूसिनस होगा, ब्रेनर्स होगा, फिर एंडोमेट्रियॉइड आ जाता है, क्लियर सेल आ जाता है। जो म्यूसिनस है उसमें सिस्टेडिनोमा, फिर सिस्टेडिनोकार्सिनोमा मैलिग्नेंट वाला हो जाएगा, ऐसे म्यूसिनस में। तो बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे क्लासिफिकेशन के हिसाब से, बहुत अंदर डीप में भी है, इतना डीप में नहीं बता रहा। फिर जर्म सेल ट्यूमर है, उसमें टेराटोमा, उसी का दूसरा, हाँ टेराटोमा है, जिसको डर्मोइड्सिस बोलते हैं। तो जो ऐसा ट्यूमर, उसके अंदर तुम्हें बाल ये सब भी मिलता है, क्योंकि पूरे ऑल लेयर्स ऑफ उससे बनता है वो, एंडोडर्म मेसोडर्म सबसे, तो उसमें बाल भी मिलते हैं और सेबेशियस ग्लैंड ही मिलते हैं ये सब। ठीक है, बाकी डिसजर्मिनोमा है, योक सैक ट्यूमर है, कोरियोकार्सिनोमा, तो ऐसे बहुत सारी लिस्ट है, बहुत बड़ी, बताने पे तो फिर पूरा ही बता दे। कोई भी ऐसी क्लास होती है, ऐसा कुछ बेसमेंट सा होता है बिल्डिंग के, जैसे अभी ये है, ये बेसमेंट है, इसके अंदर से हम घुसेंगे और फिर हमारा वो आएगा। कल तो आए थे, ऐसा लग रहा था बुचरी है, हाँ ऐसा लग रहा था बुचरी में आ गए। आ रहे हैं ना, ये देखो ऐसा, और यहीं पे गार्डरोप होगा, वहीं हमें चेंज करना है। ये देखो ऐसा कुछ गार्डरोप होता है, यहाँ पे जूते चप्पल यहाँ लगाओ अपने, अब अपन चेंज करेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। तो भाई ऐसे चेंज करना है, जैसे ये हमने पहन लिया, ये देखो ऊपर से पहले तो फील नहीं आती, मजा तो नहीं आता। अगर ये ले रहे हो ना स्क्रब थर्ड ईयर में, तो कान्या मेड से लेना, उनके काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे स्क्रब हैं, तो वो तुम ले सकते हो। और ये हम आ गए हैं क्लास में, बस सो ही गई है।
तोफनी साहब, अरे बंद रहेगी ना अभी तो। अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है, परफोरेटिंग अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है, और इसके अंदर यूट्रस ओवरी के अंदर भी पेन हो सकता है। हिस्ट्रोस्कोपी क्या बोलते हैं, बिकॉज जो एग्जामिनेशन होता है ना उसके लिए ट्यूमर सेल या कोई भी, मतलब ट्यूमर नहीं, मतलब गलत बोल दिया मैंने, उसके लिए एग्जामिनेशन के लिए करना था, इसलिए हम लोग अभी वो देख के आए हैं। और अभी कॉर्पोस्कोपी मैम ने बोल रही है कि वो देखने चलना है बिग ऑपरेशन, तो अभी वो नीचे के बच्चे आ जाएँ, फिर हम लोग यहाँ से मैम वहाँ लेके जाएंगी। पहला दिन है आज गायनोकोलॉजी का, तो और क्वेश्चन ये सब हमने पूछ चुके हैं, मतलब क्लासेस, ठीक है। हिस्ट्रोस्कोपी देख लिया जो माइनर था, और उसको एनेस्थीसिया यार इतना परफेक्ट लगाया था कि यहाँ पेशेंट का वो हुआ प्रोसीजर और वहाँ पे ख़त्म भी हो गया उसके वो, अभी नहीं अपन को वेट करने ही बोला है। हमारी क्लास गायने की आज सेकेंड डे, अच्छा गया। आज केस स्टडी दी थी मैम ने, उसमें हमारा एक्यूट एंडोमेट्राइसिस एंडोमेट्रोसिस था, काफ़ी अच्छा था, वही पूरा केस डिस्कशन किया। कल बुलाया सुबह, आज सर्जरी नहीं दिखाई यार, क्योंकि शाम को या नहीं होती, जनरली सुबह ही कैरिड होती है, और आज हमारी 1 बजे क्लास थी इसलिए। तो कल 9:30 है, तो कल तुरंत जाना है, मैम बताएंगी एबॉर्शन शायद वो सब बताएं जो भी है, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, तो मिलते हैं कल। अभी चले जाएंगे हम टैक्सी से घर, और बस ख़त्म फिर, तो चलो बाय।